Hello dear students, we are doing chapter 9, directions. As we all know, there are four cardinal directions: north, east, west, south, point toward the north and south poles. A compass is an instrument that shows directions. The needle of a compass always points to the north, and from that we all locate other direction. There are four intermediate and intermediary directions: north east means NE, southeast SE, and southwest SW, and northwest NW. In the earlier time, when there was no compass, man followed landmarks to reach his destination. Landmarks are used even now to reach a place and direct other. Now we will discuss the next point of this lesson, a sketch. What is a sketch? So a sketch is a diagram from memory. जो एक स्केच है वो मेमोरी से बनाया गया एक डायग्राम होता है, ठीक है. इट गिव्स अस अ रफ आइडिया ऑफ अ प्लेस एंड हेल्प इन लोकेटिंग अ प्लेस. सो जो डायग्राम हमने अपनी मेमोरी से बनाया है वो हमें क्या देता है, एक रफ आइडिया बताता है किसी प्लेस के बारे में और हेल्प करता है उस जगह को ढूंढने के लिए. इट गाइड्स अस विद वर्ड लाइक लेफ्ट राइट फ्रंट बैक एंड कीप्स सम लैंडमार्क लाइक अ रोड चर्च हॉस्पिटल एक्सेट्रा. सो हमें कैसे गाइड करता है कि इन वर्ड्स के साथ गाइड करेगा. जब आप रोड पर अपनी मेमोरी में होगा कि किधर को जाना है, राइट लेफ्ट बैक फ्रंट के बारे में, और हमें किसके बारे में बताएगा, लैंडमार्क्स के बारे में बताएगा, लाइक अ रोड चर्च हॉस्पिटल एक्सेट्रा. नाउ लुक एट द स्केच ऑन अ वेडिंग कार्ड. सो यहाँ पर एक पूरा स्केच दिया गया है, ठीक है, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है, वेडिंग कार्ड पे. बहुत सारे ऐसे वेडिंग कार्ड्स होते हैं जहाँ पर बैक साइड में लास्ट में जहाँ पर आपको जाना होता है, जहाँ पर वेडिंग होती है, उस प्लेस के बारे में बताता है, ठीक है. तो यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल लिया है वेडिंग कार्ड का. इट गाइड्स द विजिटर टू रीच द वेन्यू एट महाराजा अग्रसेन भवन दिल्ली. तो ये किसके बारे में बता रहा है कि जो वेन्यू है, वेडिंग वेन्यू है महाराजा अग्रसेन भवन दिल्ली में, उसके बारे में पूरी गाइडलाइन दे रहा है, ठीक है. तो मेनली ये हमारे प्लेसेस पे तो नहीं है, बड़ी बड़ी सिटीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि इट इज़ जो है बहुत ही बहुत बड़ा जगह होती है, तो वहाँ पर लोग बहुत को डिफ़िकल्टी होती है कि कहाँ पर जाना है, प्लेसेस का पता नहीं लगता है. तो कार्ड के जो लास्ट में जो है ऐसे ही एक स्क्रैच, जो स्केच है वो बनाकर दिया जाता है ताकि लोग वहाँ पर आसानी से पहुँच सके. तो यहाँ पर भी एक इन्होंने दिया एग्जांपल के लिए. नाउ देयर इज़ वन एक्टिविटी, ड्रॉ अ स्केच ऑफ योर लोकेलिटी विथ थ्री इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स. और दिस इज़ योर एक्टिविटी. आपको क्या करना है यहाँ पर कि आपको ड्रॉ करना है अपने लोकेलिटी के बारे में, और वहाँ पर आपको थ्री लैंडमार्क्स भी यूज़ करने हैं. सपोज़ वी लिव इन नाहन, और हम जो है अगर चौगान के आसपास रह रहे हैं तो हम वहाँ पर लैंडमार्क के लिए क्या यूज़ करेंगे, ठीक है. किसी आप स्कूल का एग्जांपल ले सकते हैं, चौगान का एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, ठीक है. बैंक का ले सकते हैं, कोई फेमस बैंक है आपका वहाँ पर, या कोई जगह है, इम्पॉर्टेंट प्लेस है, उसका नाम मेंशन करेंगे. आप जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ पे जो फेमस चीज़ें हैं जो हेल्प करेंगे आपके घर तक पहुँचने के लिए, उसका जो स्केच आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है. कि बीच में कोई टेंपल आ रहा है, ठीक है, फिर टेंपल से कितनी थोड़ी दूरी पर आपको कोई फेमस बिल्डिंग है, देन प्लेस कौन सा है, फिर आपका घर कहाँ पर है. दिस इज़ योर वर्क, यू विल डू इट बाय योरसेल्फ. नाउ
वी विल टेक द नेक्स्ट पैराग्राफ. अ लैंड मार्क और अ स्क्रैच स्केच गिव अस एन आइडिया ऑफ अ प्लेस. जो लैंडमार्क है और जो स्केच होता है वो हमें एक जगह का आइडिया देता है कि कहाँ पर वो जगह है. जैसे कि मैंने ऊपर आपको एक एग्जांपल दिखाया है, ये दिया गया है यहाँ पर. बट अ मैप गिव्स अस एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस. बट जो हम मैप होता है वो हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताता है उस जगह की, ठीक है, जहाँ पर आपको जाना है उसकी एग्जैक्ट बताएगा, रफ आइडिया नहीं देता है, ठीक है, कितने किलोमीटर आप राइट जाइए, इतने किलोमीटर आप लेफ्ट जाइएगा, ठीक है, तो एग्जैक्ट बताएगा. अ मैप इज़ एन एग्जैक्ट ड्राइंग ऑफ अ प्लेस. तो मैप क्या है? एन एग्जैक्ट ड्राइंग ऑफ द प्लेस, एक जो प्लेस है वहाँ की एग्जैक्ट ड्राइंग होती है. इट इज़ ड्रॉन टू स्केल, और वो किससे बनाई जाती है? स्केल से बनाई जाती है. इट गिव्स अस द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन अ फ्लैट सरफेस. तो वो हमें इट गिव अस लोकेशन, हमें लोकेशन के बारे में बताता है उस जगह की, किसके ऊपर? फ्लैट सरफेस के ऊपर, ठीक है. मैप कम इन डिफरेंट साइजेस, जो मैप हैं वो डिफरेंट साइजेस के भी आते हैं, ठीक है. दे कैन बी पुट इन अ बुक. तो जिसको हम क्या बोलते हैं? एटलस. जो मैप है आपको बुक में मिल सकते हैं, और जो मैप की बुक होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एटलस. फोल्डेड पुट ऑन वॉल और रोल्ड एंड स्टोर्ड. तो कैसे हो सकते हैं? फोल्डेड मैप भी हो सकते हैं, ऐसे मैप भी होते हैं जो वॉल्स पे लगते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है, क्लासेस में. और रोल्ड मैप भी होते हैं एंड स्टोर्ड मैप भी होते हैं, जिनको स्टोर किया जाता है. तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मैप्स. मोस्ट मैप ऑल्सो शो ओनली द नॉर्थ डायरेक्शन. जो मोस्ट मैप होते हैं वो क्या शो करते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में. मार्क्ड एज एन, उस पर लिखा क्या होता है? एन लिखा होगा वहाँ पर. सम मैप गिव ऑल द डायरेक्शंस, और कुछ मैप ऐसे होते हैं जिनके चारों तरफ, चारों जो हमारी डायरेक्शंस है उसके बारे में बताया होगा. नॉर्थ भी बताया होगा, साउथ भी बताया होगा, ईस्ट और वेस्ट भी शो कर रखा होगा. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू लर्न टू रीड अ मैप बाय अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ मैप. पर इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है मैप को कैसे पढ़े. मैप रीडिंग करना भी आना बहुत ज़रूरी है. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू लर्न टू रीड अ मैप बाय, किसके द्वारा? हम अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज उस पर यूज़ की जाती है, साइंस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, तो वो हमें आने चाहिए. मैप यूज़ द सेम लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड सो डैट एवरी वन कैन रीड एनी मैप एनी वेयर. सो जो मैप पे जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही रहती है, ठीक है, ताकि कोई भी पर्सन उसे समझ सके और अंडरस्टैंड कर सके कहीं पर भी. सपोज़ अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं, तो जो लैंग्वेज है, जो साइंस दिए जाते हैं मैप के ऊपर, वो सेम ही रहते हैं, रेलवे ट्रैक का, हिल का, माउंटेन का, ठीक है, तो आसानी से हम उसे रीड कर सकते हैं. तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि मैप यूजेस द सेम लैंग्वेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड सो डैट एवरीवन कैन रीड एनी मैप एनीवेयर. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स. बहुत अलग अलग तरह के मैप होते हैं. रोड मैप, जो रोड के बारे में बताएंगे. देन क्लाइमेट मैप, जो क्लाइमेट्स के बारे में ही बताते हैं क्लाइमेट कैसा है. पॉलिटिकल मैप, जो कि कंट्री, स्टेट, सिटी, टाउन के बारे में बताते हैं. फिजिकल मैप, रिवर, माउंटेन्स के बारे में बताएंगे. थेमेटिक मैप वो होते हैं जो किस पे फोकस करते हैं, रोड पर, पॉपुलेशन पर, पार्क एक्सेट्रा चीज़ों पर करते हैं, ठीक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द लैंग्वेज
ऑफ अ मैप टू अंडरस्टैंड रीड एंड इंटरप्रिट एनी मैप. तो डियर स्टूडेंट नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम पिक्चर ऑफ डिफरेंट मैप्स एंड व्हाट इज मैप एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स. सो डियर स्टूडेंट दिस इज अ फिजिकल मैप ऑफ इंडिया एंड इट टेल अस अबाउट द इंटरनेशनल बाउंड्रीज रिवर्स एंड माउंटेन पीक्स. तो ये इस तरह का जो मैप होता है उसे हम फिजिकल मैप बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज़ इंडियन पॉलिटिकल मैप. सो इट टेल अस अबाउट द इंटरनेशनल बाउंड्रीज स्टेट यूनियन टेरेटरीज कैपिटल्स. ठीक है इनके बारे में बताता है हमें. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ थीमेटिकल मैप. तो थीमेटिकल मैप हमें पॉपुलेशंस प्लेसेस कहाँ पे फॉरेस्ट है उसके बारे में बताता है. तो यहाँ पर डिफरेंट जो फॉरेस्ट हैं जो पार्क्स हैं उनके बारे में बता रहा है. तो इस तरह का जो मैप आपको मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं थीमेटिक मैप. द नेक्स्ट वन इज़ रोड मैप. सो रोड मैप इस तरह का होता है जो कि हमें डायरेक्शंस के बारे में बताता है. होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ मैप. So dear student, hope you understand what is map. A map is an exact drawing of a place. And what will you do? There is one activity for you. You will complete this activity and read this paragraph. That's all for the day. Thank you and have a nice day.